जो डुप्लीकेट सिमर है उसने कुछ लोगों को घर में बुला लिया था, और वो लोग मेरी माँ को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे थे, तो मुझे देखकर ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरी माँ काम पर रही थी और मतलब मेरी आंखों से भी आंसू आ गए उनकी हालत देखकर। तो मैंने आते ही जो वो लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया, और जब मैंने देखा कि सब लोग खड़े थे, मेरी माँ को ये लोग टॉर्चर कर रहे थे और बाकी सब लोग मतलब कुछ कह नहीं रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बस देख रहे थे मेरी माँ को ऐसे इस कंडीशन में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और सब पर ही गुस्सा आ रहा था मुझे। और मैं बोलता हूँ कि जो नकली सिमर है उसको बुलाओ, तो मैं उसको कॉन्फ्रंट करता हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो सिमर के डुप्लीकेट हैं ये सिमर नहीं है, तो इसीलिए मैं उन पर चिल्लाता हूँ और बोलता हूँ कि तुम्हारी जो असलियत है वो मैं सबके सामने ज़रूर लाऊंगा जल्दी। तो या अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी माँ को सपोर्ट कर रहा हूँ और उनका ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन मैं देखूंगा कि कौन सही और कौन गलत है, और इवेंचुअली मैं सही का साथ दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि मेरी माँ गलत है तो मैं उनका साथ नहीं दूंगा। हाँ, ये मैं ये यही कहूँगी कि अब भैरवी ने इतना कुछ किया है तो वो ऑडियंस को थोड़ा एंटरटेन करने के लिए अब भैरवी पे वार शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। और ये जो शेरा है ना, जो पिद्दी सा छोटा सा, वही उसी की ये करामात है, करतूत उसी की है। उसने पागलखाने फ़ोन करके डॉक्टर को बुला लिया है, ताकि उसे लगता है कि जैसे मुझे शॉक मिलेंगे तो मैं अपनी जो मैंने करतूत की है, जो मैंने किया है, वो मैं सब वो शॉक के ज़रिए सब बड़बड़ करने लगूंगी। और शायद मैं थोड़ा थोड़ा बड़बड़ करती भी हूँ, पर एंड मौके पर मेरा बेटा आके मुझे बचा देता है एज अ हीरो। नहीं भैरवी इतनी जल्दी तो आसानी से हार नहीं मानेगी, तो इसीलिए। पर ये है कि असर इतना अच्छा मेरी तरफ से इसलिए पड़ा है क्योंकि मेरी वजह से समीर और संजना में गलतफहमी पैदा हो गई है, और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि समीर को लग रहा है कि ये सब सिमर करवा रही है। फैंस को यही मैं कहूँगी कि प्लीज़, हमारा ससुराल सिमर का टाइमिंग चेंज हो गया है, तो मंडे टू फ्राइडे ऑन कलर्स 5:30 PM ज़रूर देखे और एंजॉय करिए।